पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर भारत ने करा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नसीर खान जांजुआ से फोन पर बात की है। उन्होंने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान के बाद बने हालात पर बातचीत की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने बासित के बयान पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान से सफाई मांगी है। अजीत डोभाल ने साफ किया है कि विदेश सचिव की बातचीत के लिए दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में हैं और इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। जेआईटी के भारत आने से पहले दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि उनकी टीम यहां आएगी और हमारी टीम वहां जाएगी। आपको बता दें कि एनआईए के पठानकोट हमलों की जांच को लेकर पाकिस्तान का दौरा करने के सवाल पर बासित ने कहा था कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें लगता है कि ये पूरी जांच पड़ताल आदान प्रदान की बात नहीं बल्कि इस मामले की तह तक जाने के लिए सहयोग को बढ़ाने की बात है। इतना ही नहीं, अब्दुल बासित ने कहा था, मुझे लगता है कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया स्थगित है। बासित ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य और शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि एनआईए के पाक दौरे को लेकर दोनों मिल्कों में पहले ही सहमति बन चुकी थी। मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने गुरुवार को कहा कि जेआईटी के पठानकोट आने से पहले ही इस ओर रजामंदी हो गई थी।